तो आज हम जानेंगे डिज़ाइन ऑफ द बेल्ट कन्वेयर। ओके, सो विल स्टार्ट विद द डिज़ाइन ऑफ द बेल्ट कन्वेयर। बेल्ट कन्वेयर ये मुंबई सिटी में सेम एट में है। ओके, इन अ सब्जेक्ट ऑफ डिज़ाइन ऑफ मैकेनिकल सिस्टम। ओके, इन अ डिज़ाइन ऑफ मैकेनिकल सिस्टम में ये सब्जेक्ट है। ओके, हमारे पास सम है डिज़ाइन अ बेल्ट कन्वेयर सिस्टम टू कैरी अ लंप ऑफ लाइमस्टोन साइज ऑफ लंप 150 mm, कैपेसिटी रिक्वायर्ड 300 टर्न्स पर आवर एंड लेंथ 100 मीटर, इंक्लिनेशन ऑफ बेल्ट इज 12 डिग्री। ओके, ये हमारा सम है। ये सम जनरली एग्जाम में 10 to 15 मार्क्स के लिए आता है। ओके, 10 to 15 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है। सबसे पहला मैं स्टेप है, स्टेप नंबर 1, अरेंजमेंट ऑफ द बेल्ट कन्वेयर सिस्टम। ओके, सबसे पहला हमारा स्टेप है अरेंजमेंट ऑफ द बेल्ट कन्वेयर सिस्टम। ओके, तो देखेंगे हम लोग डायग्राम कैसे रहेगी इसकी, बेल्ट कन्वेयर सिस्टम की। ओके, यू कैन सी हेयर, ये मेरा बेल्ट कन्वेयर सिस्टम है। यहाँ पे मैंने नेमिंग दिया हुआ है 2, 1, 5, 4, 10, 7, 3, 9, 11, 8, 6। देखिए, ये 1 है स्टैंड फॉर द हेड पुली ड्राइवर, 2 स्टैंड फॉर द टेल पुली। आपका हेड पुली क्या रहेगा, ड्राइवर रहेगा, टेल पुली आपका ड्रिवन रहेगा। ओके, नाउ देन ये जो है यहाँ पे ब्लैक कलर, ये बेल्ट है, ट्रैक्शन एलिमेंट। ओके, देन ये दिखा 5 लिखा है मैंने, ट्रैक्शन एलिमेंट बेल्ट। 4 है आपका ओवरऑल इंपैक्ट आइडलर, ये आपका दिखा एकदम बाजू बाजू में लगाया मैंने तीनों। ये है मेरा ओवरऑल इंपैक्ट आइडलर, ये दोनों लंबे लंबे लगाए मैंने। ओके, दूर दूर लगाए, ये 6 नंबर दिए, ये है ओवरऑल आइडलर। और ये जो एकदम दूर दूर लगाए नीचे साइड के, ये है अंडर रन आइडलर 7 नंबर। और ये 3 स्टैंड फॉर स्नब पुली, 9 स्टैंड फॉर द ग्रेविटी टेकअप अरेंजमेंट। ओके, नाउ 8 स्टैंड फॉर द रिस, ये है आपका बेल्ट क्लीनिंग डिवाइस। और ये है मेरा 11 हॉपर। ओके, अनलोडिंग हॉपर। 10 है मेरा लोडिंग हॉपर। ओके, ये डेल्टा इंक्लिनेशन ऑफ बेल्ट, ये हाइट एच ऑफ द बेल्ट, ये लेंथ ऑफ द बेल्ट। ओके, देन ये देखिए यहाँ पे ये बेल्ट है, ब्लू कलर में जो लिखा हैश किया हुआ, ये लंप है ऊपर, ये ट्रफ है, आइडलर से ट्रफिंग एंगल है। 1, 2, 3 टाइप के मैंने यूज़ किया यहाँ पे, 1, 2, 3 टाइप वाले। ओके, किसके लिए, फॉर द ओवरऑल आइडलर्स के लिए। ये है मेरा ट्रफिंग ट्रफिंग एंगल। ओके, ये आइडलर्स बोलते हैं इसको, ये अंडर आइडलर, ये देखिए बेल्ट है इसके ऊपर नीचे आते हुए। और ये सिंगल आइडलर, सिंगल होते, ये सिंगल टाइप के होते, सिंगल पीस बने होते। और जो ऊपर वाले होते ओवरऑल आइडलर, वो 3 पीसे बने होते हैं। ओके, सेंट्रल आइडलर और साइड के आइडलर। ओके, नाउ सो मूव टू द क्वेश्चन। स्टेप नंबर 1 मेरा हो गया, स्टेप नंबर 2 है मेरा मटेरियल प्रॉपर्टी। ओके, मटेरियल प्रॉपर्टी आपको क्या दिया है, यहाँ पे लम दिया है, तो आपको जाना है PAG 9.22 में। ओके, तो मैं जाऊँगा अभी PAG 9.22 में। ओके, आपको PAG डेटा बुक यूज़ करना है, ये रहा मेरा PAG डेटा बुक। ओके, मैं यूज़ करूँगा अभी 9.22। ओके, ये रहा पेज नंबर 9.22। यहाँ पे दिखा आपको एंगल ऑफ रिपोज ऑफ ज्योमेट्री कन्वेड मटेरियल, मेरा क्या है लंप है। ओके, लंप के लिए मेरा डेंसिटी। ओके, देखिए यहाँ पे, ओके, लंप और लाइमस्टोन। ओके, एंगल ऑफ ये कितना दिया है, डेल्टा 20 डिग्री दिया है। और बोला है डेंसिटी 1.2 से लेके 1.5 मैक्सिमम लूंगा, और ये एंगल ऑफ रिपोज 45। यहाँ पे लिख दिया मैंने अल्फा इक्वल टू 1.5 टर्न्स पर मीटर क्यूब, एंगल ऑफ रिपोज अल्फा 45 डिग्री। एज डेल्टा जो है क्या है, डेल्टा 12 डिग्री दिया है मेरे को, तो क्या है शुड बी लेस देन अल्फा, अगर है तो भी ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, इफ नॉट, अगर ये बड़ा दिया है तो नहीं चलेगा क्योंकि आगे मटेरियल कन्वे होगा ही नहीं। ओके, तो इफ नॉट देन करेक्ट इट टू द सेटिस्फाई कंडीशन। नाउ थर्ड स्टेप नंबर 3, जनरल कंसिडरेशन। लोडिंग पॉइंट जो है आपका, लोडिंग पॉइंट इज एट द टेल पुली, जैसे मैंने आपको दिखाया डायग्राम में, एंड अनलोडिंग पॉइंट इज एट द हेड पुली। ओके, एट द ड्राइवर एंड ओवरऑल आइडलर आर द ट्रफिंग आइडलर्स। ओके, डायग्राम देखा आपने, 3 आइडलर सिस्टम, सिलेक्टिंग ट्रफिंग एंगल 25 डिग्री। PAG 9.1 पे जाऊंगा और सिलेक्ट करूंगा ट्रफिंग एंगल। ओके, तो वी गो टू PAG 9.1
में देखिए यहाँ पे दिया है ट्रफ एंगल 20 डिग्री, ट्रफ एंगल 25 डिग्री, ट्रफ एंगल 30 डिग्री। मैंने चूज किया ट्रफ एंगल 25 डिग्री। ओके, पेज 9.18 से मैंने ट्रफ एंगल 25 डिग्री लिया। नाउ अंडर एन आइडलर आर द स्ट्रेट आइडलर्स। ओके, कौन सा? वन आइडलर सिस्टम। नाउ स्टेप नंबर 4, बेल्ट विड्थ एंड स्पीड। क्या है? बेल्ट विड्थ एंड स्पीड। नाउ बाय एम्पिरिकल रिलेशन विड्थ ऑफ द बेल्ट क्या है? B इक्वल टू 2A मैक्स प्लस 200। किसके लिए? सॉलिड मटेरियल के लिए। B इक्वल टू A मैक्स प्लस 200 फॉर द फाइन मटेरियल के लिए। ओके, तो मेरा क्या है यहाँ पे सॉलिड मटेरियल है, देन फॉर सॉलिड मटेरियल Mx इक्वल टू लम साइज। Mx क्या होता है? लम साइज होता है। वो कितना दिया है? 150 दिया है क्वेश्चन में मुझे। देयरफॉर क्या हो जाएगा? B इक्वल टू 2 इंटू A मैक्स प्लस 200। वैल्यू आ जाएगा मेरा 500 mm। नाउ टेकिंग स्टैंडर्ड बेल्ट विथ, क्या करूँगा मैं? बेल्ट कितना है मेरा? ये 500 है, तो मैं जाऊँगा और मैं क्या करूँगा? स्टैंडर्ड बेल्ट भी लूँगा फ्रॉम PG 9.19। ये 9.19 यहाँ पे देखिए दिया हुआ है स्टैंडर्ड विड्थ। देखिए 400, 500, 650, 800, 1000। मैं इनली ने लिया 650। ओके, 500 के बाद में क्या था? 650 था। नाउ चेकिंग फॉर द बेल्ट स्पीड, चेक करूँगा मैं। ये मेरा फॉर्मूला है PG 9.18 पे बी का वैल्यू है। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला है मेरा द वैल्यू ऑफ बी। ओके, देखिए यहाँ पे दिख रहा है बी मिनिमम इक्वल टू 1.11 ब्रैकेट ऑफ क्यू रो सी वी। यहाँ पे PG में रो नहीं दिया, आपको ऐड करना पड़ेगा रो रो सी वी रेस्ट टू 1/2 प्लस 0.05। नाउ लिख दिया मैंने यहाँ पे बी इक्वल टू 1.11 ब्रैकेट ऑफ क्यू रो सी वी प्रेस टू 0.5 प्लस 0.5 है। सही इक्वेशन नंबर बी। नाउ वेयर क्यू क्या है? क्यू इज द कैपेसिटी रिक्वायर्ड फॉर कन्वेयर, जो कि ये मेरा 300 टर्न्स पर आर घी दिया हुआ है। रो मैंने निकाला मैंने 1.5 टर्न्स पर मीटर क्यूब। सी क्या है मेरा? सरफेस फैक्टर फॉर आइडलर। सी इक्वल टू मैंने 510 लिया। किसके बेस पे? मैंने क्या अजूम किया है? ट्रफिंग एंगल 25 डिग्री, उसके बेस पे मैंने ये लिया है। ये भी दिया आपको पेजी 9.18 पे। ओके, नाउ बेल्ट स्पीड। ओके, यहाँ पे तो मिलेगा आपको बेल्ट स्पीड तो मिलेगा, जस्ट पुट करो वैल्यू सब इसमें, बी का वैल्यू पुट करो मीटर में और ये टर्न्स पर आर में, आपको मिलेगा वैल्यू वी मीटर पर सेकेंड में। और चेक करना है आपको जो लिमिटिंग वेलोसिटी है उससे कम होना चाहिए। कितना आपको आया? 1.367, और आपका लिमिटिंग वेलोसिटी कितना है? 1.75। ओके, देखिए यहाँ पे कहाँ से निकाला आपने ना PG 9.20। PG 9.20 में देखिए 9.20 पे ये आपका क्या है? लंप है। विड्थ कितना है? 650 है लंप ऑफ लाइमस्टोन के लिए। देखिए एब्रेसिव मटेरियल इन लार्ज लंप स्लैगी रॉक्स के लिए और ओर्स के लिए कितना है? 1.75। तो हमने क्या लिया? 1.75। ओके, तो 1.75 से कम है तो ये चलेगा। नाउ सो हियर बी इज 650 एक्सेप्टेबल इफ बेल्ट फेल इन द अबोव चेकिंग। अगर क्या होता है? बेल्ट फेल होता है इन अबोव चेकिंग, सब्स्टिट्यूट द लिमिटिंग वैल्यू, जो वैल्यू है मेरा बी का लिमिटिंग वैल्यू वेलोसिटी, पुट करो इन फॉर्मूला ऑफ बी, ये फॉर्मूला पुट करो एंड फाइंड करो वैल्यू ऑफ बी। ओके, और वो वैल्यू आगे कैरी फॉरवर्ड करो। नाउ स्टेप नंबर 5 क्या मेरा? रेजिस्टेंस टू मोशन फॉर ओवर एन आइडलर। किसके लिए? फॉर ओवर एन आइडलर के लिए। ये फॉर्मूला मेरा कहाँ से मिला है मेरे को? फॉर्मूला फॉर्म 9.18 से। देखिए 9.18 PG 9.18। ओके, वहाँ से ये फॉर्मूला है मेरा WOCFL GGGB cos delta plus GRO bracket close plus minus HGGGB। ओके, माइनस साइन फॉर कन्वेइंग डाउन। ओके, नाउ यूज पॉजिटिव, मैं क्या कर रहा हूँ? कन्वे अप कर रहा हूँ करके पॉजिटिव लिया मैंने। WOCFL ब्रैकेट ऑफ GG प्लस GB ब्रैकेट क्लोज cos डेल्टा प्लस GRO ब्रिक ब्रैकेट क्लोज प्लस माइनस HGG प्लस GB। ओके, नाउ हम सॉल्व करेंगे अभी इसको। नाउ सी इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी रेजिस्टेंस फैक्टर, जो कि आपको मिलेगा PG से 9.1 से। कितना है? 1.7। FB मिलेगा आपको स्टैंडर्ड के लिए 0.02 फ्रॉम द PG 9.18। आपको लेंथ दिया हुआ है गिवन में 100 मीटर। GG क्या होता है? वेट ऑफ द मटेरियल पर मीटर। ये भी आपको PG में दिया होगा। ओके, क्या होता है? वेट ऑफ मटेरियल पर मीटर।
नाउ ये क्या मेरा दिया, मुझे 300 टर्न्स दिया है पर आर, तो मैं क्या करूँगा इसमें मल्टीप्लाई करूँगा विथ वेलोसिटी और उसको कन्वर्ट करूँगा, बिकॉज मुझे चाहिए इसका यूनिट इन केजी पर मीटर में चाहिए, किस में चाहिए केजी पर मीटर में, तो क्या करूँगा 1 टन इक्वल टू 10^3 केजी और 1 आर इक्वल टू 3600 ओके सेकेंड में, जो वेलोसिटी कितना मेरा 1.367 मीटर पर सेकेंड ओके, ये आ गया मेरा वैल्यू जीजी का 60.97 केजी पर मीटर, जीबी इक्वल टू वेट ऑफ द बेल्ट पर मीटर लेंथ ओके। नाउ ये क्या है 9 केजी पर मीटर मुझे मिलेगा पेजी 9.19 से टेबल नंबर 1 से ओके, देखिए जीबी ओके। नाउ ये रहा मेरा जीबी, मेरा 650 वैल्यू है ओके, देखिए यहाँ पे टेबल नंबर 1 ये रहा टेबल नंबर 1 बेल्ट का, ये 650 ये 9 एवरेज वेट पर मीटर रन, पर मीटर रन के लिए ये 9 ओके, यूनिट क्या है केजीएफ ओके, केजीएफ पर मीटर रन के लिए ओके, डेल्टा दिया है 12 डिग्री। नाउ जीआरओ क्या होता है वेट ऑफ ट्रफिंग आइडलर पर मीटर, क्या होता है वेट ऑफ ट्रफिंग आइडलर पर मीटर। नाउ ट्यूब डायमीटर अभी देखो यहाँ पे टेबल नंबर 2 में आ रहा है आपको, यू टू कम टू टेबल नंबर 2 ट्रफिंग आइडलर, मेरा क्या है मैंने क्या कंसिडर किया 125 का ट्यूब डायमीटर लिया ओके और 25 का मैंने बेयरिंग डायमीटर लिया, देखिए ये कंसिडर किया और यहाँ पे ये कंसिडर किया और मेरा 650 का ये है विड्थ है, तो मेरा कितना आया 21.6 ये आया मेरा वैल्यू के जी पर आइडलर ओके। नाउ ट्रफिंग आइडलर्स के लिए सेम यहाँ पे रहेगा स्ट्रेट लाइडर, स्ट्रेट लाइडर कब लूँगा मैं जब मेरा रहेगा अंडर आइडलर, ये है ट्रफिंग आइडलर किसके लिए है फॉर ओवर रन आइडलर के लिए, स्ट्रेट आइडलर फॉर अंडर रन आइडलर के लिए ओके, सेम यहां से मैं वैल्यू चूज करूंगा। नाउ सो जीआरओ इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा, अब देखो यहां पे ट्यूब डायमीटर 125 बेयरिंग डायमीटर 25 रोलर वेट 21.6 केजीएफ, जो जीओ होता है स्पेसिंग बिटवीन द रोलर और आइडलर्स कितना है 1.5 ओके दिया है यहां पे पीएजी में, नंबर ऑफ आइडलर इन 100 मीटर स्पैन क्या है नंबर ऑफ आइडलर इन अ 100 मीटर स्पैन इज इक्वल टू कितना स्पैन है 100 मीटर डिवाइड बाय स्पेसिंग माइनस 1 एक काउंट नहीं होता है करके कितना है 65.66 तो आंसर हो गया मेरा 66, तो क्या होगा टोटल वेट क्या होगा ओवर एन आइडलर का दिस वैल्यू इंटू ईच एक का वैल्यू तो 66 ओके 66 इंटू 21.6 डिवाइड बाय 100 ओवर एन पर मीटर लेंथ के लिए, तो ये आया मेरा वैल्यू 14.256 केजीएफ पर मीटर। और अगर आपको स्टेप नहीं करना ये तो डायरेक्टली वी आर द वैल्यू क्या करो जीआरओ इज इक्वल टू जीओ डिवाइड पीओ, व्हाट इज जीओ, जीओ स्टैंड फॉर दिस 21.6, पीओ स्टैंड फॉर स्पेसिंग 1.5 आपको मिलेगा उसका वैल्यू नियर बाय 14.4, यहाँ पे कितना है 14.25 यहाँ पे आएगा 14.4 केजीएफ पर मीटर। नाउ नेक्स्ट है मेरा यहाँ पे पुट करने के लिए एच ओके, देखिए मुझे ये सब फाइंड करना, मैं फाइंड कर रहा हूँ जीबी हो गया, जीबी हो गया, कॉस डेल्टा हो गया, जीआरओ हो गया, अभी मुझे मांगता है एच। नाउ फॉर एच क्या है एच इक्वल टू एल साइन डेल्टा, कैसा आया एल साइन डेल्टा बिकॉज मेरा डायग्राम देखोगे आप, देखिए यहाँ पे डायग्राम ये एच है ये एल है, डेल्टा मिलेगा आपको ट्राइंगल जब बनेगा तो एच इक्वल टू एल साइन डेल्टा ओके, ये आपको यहाँ से मिलेगा ओके। सो मिल गया मुझे वैल्यू ऑफ एच 20.79 मीटर, सब्सटीट्यूट ऑल वैल्यू इन इक्वेशन ऑफ डब्ल्यू ओ, क्या करूँगा मैं सब्सटीट्यूट करूँगा ऑल वैल्यू इन डब्ल्यू ओ, ये इक्वेशन पुट करूँगा मैं डब्ल्यू ओ के, तो मुझे आएगा वैल्यू 1735.84 केजीएफ ओके। समझा आपको ये यहाँ पे। नेक्स्ट नाउ फॉर सेम फॉर अंडर एन आइडलर के लिए फॉर्मूला वहाँ पे दिया है पीएजी में ही, डब्ल्यू यू इक्वल टू सी एफ एल जी बी कॉस डेल्टा प्लस जी आर यू लाइनस प्लस एच बी सी, यूज नेगेटिव साइन क्यू बिकॉज मेरा क्या है ये ऊपर से मेरा कन्वे हो रहा मटेरियल ओके। नाउ वेयर जी आर यू इक्वल टू वेट ऑफ अंडर एन आइडलर ओके पर मीटर, सिलेक्टिंग ट्यूब डायमीटर सेम वहाँ से लूंगा टेबल नंबर से ओके टू में से 125 बेयरिंग डायमीटर 25 रोलर वेट 22.5 केजीएफ, स्पेसिंग कितना है 3 मीटर दिया है यहाँ पे, बड़ा यहाँ पे स्पेसिंग बिकॉज अंडर लाइडर में स्पेसिंग बड़ा क्योंकि यहाँ पे लोड कैरिंग नहीं होता वहाँ पे, तो नंबर ऑफ रोलर इन 100 मीटर स्पैन
इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 3 स्पैन माइनस 1 अकाउंट नहीं होता करके, तो 33 आया, 32 आया, तो मैं 32 कंसिडर किया, 32 इंटू ये वैल्यू डिवाइड बाय स्पैन, ओके ये आ गया 3.94 kg पर सेंटीमीटर, और अदरवाइज डायरेक्टली कैलकुलेट करना है आपको तो जी आर यू इक्वल टू दिस इज कॉल्ड एज जी यू, जी यू डिवाइड पी यू 3 मीटर आपको मिलेगा यहाँ पे 4 kg पर सेंटीमीटर, ओके। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ डब्ल्यू इन दिस इक्वेशन, आपको मिलेगा वैल्यू कितना आया आपको ये हमेशा आता है माइनस में, तो माइनस 143.90 kg पर मीटर। नाउ देन टोटल वेट क्या आएगा, टोटल पी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओ प्लस डब्ल्यू यू, दोनों को ऐड करो यू विल गेट द वैल्यू 159.9 kgf, ओके। नाउ नेक्स्ट स्टेप नंबर 6, कैलकुलेशन ऑफ टेंशन इन बेल्ट। नाउ इफेक्टिव फोर्स जो है आपका, ओके नाउ इफेक्टिव फोर्स देखिए यहाँ पे ये हेड ड्राइवर है, ये ड्राइवर है हेड पुली, ये टेल पुली, ओके। नाउ सो यहाँ पे जो टेंशन होगा वो T1, यहाँ पे T2, यहाँ पे T3, यहाँ पे T4 है, ओके। नाउ ऐसा घूम रहा करके टाइट साइड, ठीक है टाइट साइड बट स्लैक साइड, तो P इज इक्वल टू T1 माइनस T2, सो T1 माइनस T2 क्या होता है आपको पता है, दिस इज कॉल्ड एज अ टोटल फोर्स P, ये रहा वैल्यू, तो मुझे मिलेगा T1 माइनस T2 इक्वल टू 15.91 इंटू 10^3, ऑल्सो T1 बाई T2, ओके फ्लैट बेल्ट करके टेंशन रेशियो आएगा ई रेस्टू म्यू थीटा सी। ना अज्यूमिंग द एंगल ऑफ लैप क्या लूंगा मैं, 200 लूंगा जो कि कितना है ज़्यादा होना चाहिए 165 से एज पर द MD1 कंसेप्ट, ओके टू अवॉइड द स्लिप। देयरफॉर T1 बाय T2 इक्वल टू ई रेस्टू म्यू, म्यू कितना लूंगा मैं 0.25, ओके इंटू उसको थीटा कन्वर्ट करूंगा मैं रेडियन में, तो 200 इंटू पाई बाय 180, तो मुझे मिलेगा आंसर T1 का 2.93 इन टर्म्स ऑफ T2। नाउ सॉल्व करूंगा मैं दोनों को तो मुझे मिलेगा वैल्यू ऑफ T2 और T1, ओके ये हो गया। नाउ फॉर T3 एंड T4 वी आर द फॉर्मूला फॉर इन PAG 9.18 फॉर्मूला है यहाँ पे देखिए T3 इज इक्वल टू T2 प्लस TU एंड T3 इक्वल टू T4, सो ये रहा फॉर्मूला उसका, ओके T2 एंड T2 मिला, देन T3 इक्वल टू TU प्लस VU फ्रॉम फॉर हेड पुली ड्राइवर, ओके तो ये मिल गया फॉर्मूला, तो T3 मिल गया मतलब T4 मिल गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप नंबर 7, सिलेक्शन ऑफ द ड्राइविंग यूनिट मतलब मोटर सेलेक्ट करना। अभी देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा मैंने सिस्टम जो सम आया है बहुत बड़ा सम है हमारे यहाँ पे मार्केट में, मोटर जो अवेलेबल रहते हैं वो इसके लिए नहीं मिलते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है इसको ऑर्डर देके बनाना पड़ता है, ओके। सो देखिए तो पी क्या है, फोर्स इंटू वेलोसिटी डिवाइड बाई ट्रांसमिशन, तो फोर्स है मेरा T1 माइनस T2, वेलोसिटी है मेरे पास 1.36, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी में लूंगा 0.95, तो मुझे आ रहा है 22.89, तो कितना है मेरा 23 किलोवाट। अभी पीजी कौन सा 5.124 पे मुझे मिलते हैं मोटर्स, पीजी नंबर 5.124 1 2 4 1 2 5, ओके ये देखिए ये मोटर है यहाँ पे, ये यहाँ पे 22 तक की है, कितना 22 देखिए 22 तक ही है, ओके तो 22 के ऊपर नहीं है, ये गया 22 के ऊपर, तो मैंने लिया है 25 किलोवाट मोटर विद स्पीड जो भी रहेगा 960 rpm रहेगा, तो मुझे बना के लेना पड़ेगा ये, ओके। नाउ नेक्स्ट, नाउ रबर कैनवस बेल्ट का जो मटेरियल रहेगा उसका स्टेप नंबर 8, रबर कैनवस जो है मैं लूंगा। नंबर ऑफ प्लाई क्या होगा, आई इक्वल टू T1 डिवाइड बी एफ, कहाँ से मिलेगा फॉर्मूला, ये PAG 9.1 में फॉर्मूला है, यहाँ पे चेक कर लीजिए, वेर T1 क्या है जो मैंने कैलकुलेट किया है इन kg पे निकालना है, ओके ये देखिए T1, बी विड्थ किसमें निकालूंगा मैं mm में, F क्या ये फैक्टर होता है, F इक्वल टू 0.82 किसके लिए, फॉर बेल्ट फॉर 42 OZ एंड वेलक्रोनाइज ग्रेविटी टेकअप अरेंजमेंट, PAG 9.21 पे जाओगे तो आपको मिलेगा, देखिए यहाँ PAG 9.21 में देखिए 42 OZ के लिए वर्किंग टेंशन ऑफ कन्वेयर, ओके वोल्केनाइज जॉइंट एंड ग्रेविटी टेकअप अरेंजमेंट के लिए ये है मेरा 0.82, ओके यहाँ पे आपको मिलेगा, ओके यह है मेरा 0.82 समझा आपको यहाँ पे, तो मुझे मिलेगा आई का वैल्यू 5.27, तो मैं लूंगा आई को इक्वल टू 5। नाउ स्टेप नंबर 9, पुली डायमीटर बाय एम्पिरिकल रिलेशन डी इक्वल टू K2 into K1 into I, कहाँ से लिया मैंने रिडन को, रिडन को क्या है स्टैंडर्ड हैंडबुक है फॉर द कन्वेइंग सिस्टम के लिए,
ओके, वेयर के वन इंटू के टू होता है कॉन्स्टेंट, उसका वैल्यू होता है 140, तो क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू 140 इंटू 5, आई कल यू 5, तो मुझे मिलेगा वैल्यू ऑफ 700। तो मैं क्या करूँगा, स्टैंडर्ड डायमीटर पुली लूँगा, क्योंकि जो पुली मैनुफेक्चर थे दे रेफर द स्टैंडर्ड, तो मुझे यहाँ पे नॉन स्टैंडर्ड में जाना नहीं है, क्योंकि मुझे रिप्लेस करना पड़ा कल पुली, तो मैं विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड में रिप्लेस करूँगा। तो ये क्या लिया मैंने, 710 कहाँ से लिया मैंने, पेज 7.54 में दिया हुआ है स्टैंडर्ड पुली के डायमेंशन। ओके, यू कैन चेक ओवर देयर नाउ। विड द पुली बी इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू बी प्लस 2 इंटू 25, 25 क्या है मार्जिन, तो कितना आया 650 आ गया। ओके नाउ, ओके 650 प्लस 20 तो ये होता है, तो ये होता है नियर बाय 700। ओके नाउ विड द पुली, नाउ स्टेप नंबर 10, कैलकुलेशन ऑफ द बेल्ट थिकनेस, T इक्वल टू आई इंटू प्लाई थिकनेस, क्या होता है T इक्वल टू आई इंटू प्लाई थिकनेस प्लस डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। देखिए यहाँ पे डायग्राम में लिखा है, ये थिकनेस जो होगा उसका कैसा होगा, ये प्लाई का थिकनेस प्लस डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, एक सॉफ्ट साइड के लिए और एक हार्ड साइड के लिए। ओके ना, हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे मटेरियल गिर रहा है ये डी वन पे क्या होगा, मटेरियल गिरेगा तो वहाँ पे हार्ड होगा तो 3 mm होगा, यहाँ पे डी टू में सॉफ्ट होगा तो 1 mm होगा, तो यहाँ पे लिखिए ये 3 mm और ये 2 mm, तो थिकनेस हो गया पूरे बेल्ट का 9 mm। नाउ स्टेप नंबर 11, चेकिंग फॉर बेल्ट क्रॉस सेक्शन फॉर मैक्सिमम टेंशन, जो हमने बेल्ट का सेक्शन लिया वो टेंशन में चलेगा नहीं चलेगा उसका चेकिंग करके हम लोग। तो सिग्मा मैक्स क्या होता है, फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स के T1, तो T1 डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया बोल्ट, तो मेरा बी कितना है 650, टी है मेरा थिकनेस 9। ओके तो टी है यहाँ पे वैल्यू, आपको मिलेगा कितना आया वैल्यू मेरा 4.61, शुड बी लेस देन 5 to 6 और द कैनवास मटेरियल के लिए, कितना इन बिटवीन 5 to 6 के कम होना चाहिए। ओके हैन सेफ है, अगर फेल होता है यहाँ पे तो इंक्रीज द थिकनेस ऑफ प्लाय। नाउ स्टेप नंबर 12, स्टेप नंबर 12 है मेरा पुली शाफ्ट डिज़ाइन, क्या है मेरा पुली शाफ्ट डिज़ाइन, देखिए यहाँ पे ये बेरिंग होगा, यहाँ पे दोनों स्पैन होगा, ये पुली, ये बेल्ट ऊपर माउंट किया मैंने, विड्थ ऑफ बेल्ट बी 650, मार्जिन कितना लिखा है मैंने 25 mm यहाँ पे, 25 mm यहाँ पे, देन पुली की भी मार्जिन लिया 50 mm यहाँ पे, 50 mm यहाँ पे, तो ये स्पैन होगा। ओके तो टोटल लोड क्या आएगा यहाँ पे पुली पे, W इक्वल टू T1 प्लस T2। अभी देखिए यहाँ पे दो टाइप की पुली होंगे, एक हेड पुली और एक ड्राइवर पुली, सॉरी एक हेड इक्वल टू ड्राइवर पुली एंड टेल पुली इज इक्वल टू ड्रिवन पुली। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिए यही सब एग्जाम में 10 से 15 मार्क के लिए आता है, अगर आपने पूरा डिज़ाइन किया, अगेन पुली भी डिज़ाइन किया, किसके लिए, हेड पुली के लिए भी किया और टेल के लिए भी किया, तो आपको उतना टाइम मिलेगा नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, फॉर टाइम कंज्यूम बचाने के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा हेड पुली और टेल पुली का डायमेंशन जो रहेगा सेम रहेगा, तो क्या हो जाएगा, शाफ्ट भी सेम हो जाएगा, तो बेयरिंग भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, मेरा टाइम बच जाएगा। सो आई एम यूजिंग दैट कंसेप्ट कि हेड पुली और टेल पुली के जो पुली के डायमेंशन जो होंगे वो, और शाफ्ट और जो बेयरिंग लगेंगे वो क्या होंगे, सेफ होंगे, ओके सेम होंगे। ओके लेट्स सी, सो यहाँ पे W मिला T1 प्लस T2। अगर आपको डिज़ाइन करना है टेल पुली के लिए, अगर आपको करना है तो यहाँ पे हो जाएगा W इक्वल टू T3 प्लस T4, और यहाँ पे स्पैन सेम ही रहेगा, बस इतना ही फर्क होगा यहाँ पे, नाउ बिकॉज बेल्ट सेम ही वहाँ पे। नाउ वेयर L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ शॉर्ट बिटवीन द बेयरिंग, तो क्या हो जाएगा B प्लस 100 mm यहाँ का प्लस 50 mm यहाँ का, तो ये हो गया 800 mm। नाउ देन मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट W डिवाइड बाई टू इंटू L/2, तो ये आएगा, W को पता है, L पता है, ये आ गया आपका वैल्यू। नाउ ट्विस्टिंग मोमेंट क्या होगा, MT इक्वल टू P इंटू 60 डिवाइड बाई 2 pi r। तो मुझे क्या चाहिए वहाँ पे, N चाहिए, P तो है मेरे पास, N नहीं मेरे पास। ओके नाउ V इक्वल टू पाई डी एन बाई 60, ये V है मेरे पास 1.36 स्पीड उसका, तो यहाँ पे डायमीटर जो पता है पुली का 710, तो मुझे मिलेगा स्पीड, जो मैं मोटर ले रहा हूँ 25 kg का, सो 25 kW का, उसका स्पीड कितना रहेगा 3677 rpm, तो मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, गियर बॉक्स लगाना पड़ेगा। ओके ये वाला कंसेप्ट है। MT इक्वल टू क्या आ गया मेरा वैल्यू, MT पुट करूँगा यहाँ पे, ये आ गया न्यूटन मीटर में, उसको मल्टीप्लाई करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू विथ 10^3, तो ये आएगा न्यूटन mm में,
therefore equivalent torque on shaft क्या हो जाएगा, mt equivalent equal to m max square plus mt square, तो ये आ गया वैल्यू मेरा. नाउ सिलेक्टिंग मटेरियल शाफ्ट अजूम करूंगा मैं, क्या लूंगा एज यूजुअल मेरा C45 विथ सिग्मा यील्ड इक्वल टू 360, कहाँ से PG 1.9 से, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 लूंगा अजूम किया मैंने, तो देयरफॉर टाउ इक्वल टू कितना है 45. नाउ कंसिडरिंग द टॉर्शनल फेलियर शॉक, देयरफॉर एम टी इक्वलेंट, ओके ट्विस्टिंग इक्वलेंट इक्वल टू पाई बाय 16 टाउ इंटू डीएस क्यूब, तो मुझे मिलेगा डायमीटर ऑफ शाफ्ट कितना है 105. नाउ यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि नोट हेयर वी आर अज्यूमिंग दैट सेम शाफ्ट ऑफ बोथ हेड एंड टेल, जो मैं आपको बताया, हैंस बेरिंग अजू सेम. नाउ स्टेप नंबर 313, बेरिंग सिलेक्शन ऑफ पुली शाफ्ट. नाउ डेटा क्या दिया मुझे, रेडियल लोड, यहाँ पे क्या आ रहा है सिर्फ रेडियल लोड आ रहा है, ओके सिर्फ रेडियल लोड आ रहा है. एफ आर इक्वल टू टी वन प्लस टी टू डिवाइड बाई टू, तो ये आ गया. देयर इज नो एक्सियल लोड, तो एफ इक्वल टू जीरो. नाउ प्रोबेबिलिटी सर्वाइवल कितना है 90% अजूम किया मैंने, ये आपको बताया, और मैंने अजूम क्या किया, एल एच आर कितना लिया 500 आर्स लिया, तो एल डैश ऑफ 10 इक्वल टू एल एच आर इंटू 60 इंटू एन डिवाइड बाय 10^6, तो आपको मिलेगा ये मिलियंस ऑफ रिवॉल्यूशन में, ये आर्स में था, ये मिला आपको मिलियंस ऑफ रिवॉल्यूशन में. नेक्स्ट डायनामिक लोड कैरिंग कैपेसिटी सी इक्वल टू एल डैश बाय 10 डिवाइड बाय एल 10 प्लस टू 1 बाय के इंटू पी, कहाँ से मिलेगा आपको पीएजी 4.2 से, ओके ये एमडी 2 का टॉपिक है बेयरिंग डिजाइन. के इक्वल टू 3 डीप ग्रू बॉल बेयरिंग लीगा लू करके मैं 3 आया. पी क्या मेरा इक्विवेलेंट लोड, तो मैं क्या करूँगा 1.5 ऑफ एफ आर लूंगा, ओके मेरे पास एफ आर है तो ये आया वैल्यू मेरा, देर पुट करूँगा यहाँ पे तो मुझे मिलेगा सी रिक्वायर्ड, मुझे कितना कैपिटल चाहिए लोड लेने के लिए, तो ये लोड के हिसाब से मैं क्या करूँगा सिलेक्ट करूँगा डीप ग्रू बॉल बेयरिंग, और विद डायमीटर भी चेक करना है मुझे कि 105 कितना होना चाहिए इनर डायमीटर, क्योंकि शाफ्ट जाना चाहिए उसमें उसके अंदर, ओके देखिए यहाँ पे मैंने शाफ्ट का जो फाइंड किया वैल्यू कितना है 105, उतना ही अमाउंट का इनर डायमीटर होना चाहिए बेयरिंग का, तो क्या लिया मैंने 621 मेरा आया विद ये सी के साथ, मतलब ये सी से बड़ा और 105 को मैच होने वाला, तो क्या होना चाहिए डी ऑफ शाफ्ट शुड बी इक्वल टू डी ऑफ बेयरिंग, मस्ट होना चाहिए. नाउ नेक्स्ट है मेरा स्टेप नंबर 15 रोलर डिजाइन, ये मैं कर रहा हूँ ओ रन के लिए, देखिए ओ रन रोलर डिजाइन, देखिए यहाँ पे रहा बेयरिंग, ये रहा मेरा आइडलर ट्यूब, देखिए यहाँ पे ये जो इसको पकड़ेगा यहाँ पे बेयरिंग को जो अटकाना है, तो मुझे यहाँ पे बेयरिंग यहाँ पे ये होगा फिक्स होगा, यहाँ पे बेयरिंग फिक्स होगा, ओके ये है मेरा डायमीटर ऑफ एक्सल डी है, ये मेरा लेंथ, ये फाइव बाई टू, ये फाइव बाई टू. नाउ टोटल वेट ऑफ आइडलर इजिकल टू क्या होगा जी 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 बी प्लस जी आर ओ इंटू पिच, ये होगा मेरा टोटल वेट जो आएगा यहाँ पे अमाउंट होगा, ओके यहाँ पे जो अमाउंट गिरेगा यहाँ पे, तो जी जी मुझे पता है, जी बी पता है, पिच पता है, तो ये आएगा के जी एफ में, कन्वर्ट करूंगा इसको न्यूटन में. नाउ मैक्सिमम लोड जो है, मैक्सिमम लोड कहाँ पे आ रहा है इज एट द सेंट्रल पुली, देखिए 15% यहाँ पे, 15 यहाँ पे, 70 यहाँ पे मैंने अजूम किया, ट्रफिंग आइडलर है ओवर रन आइडलर का करके डायग्राम ऐसा लिया मैंने, तो एफ आई क्या होगा 0.7 of 1263.39 ये वैल्यू, तो यह आया 84.37 न्यूटन, ओके. नेक्स्ट फ्रॉम डायग्राम मुझे क्या दिख रहा है, फ्रॉम डायग्राम देखिए डी टू क्या है, द वैल्यू ऑफ डी टू ओके डी वन माइनस टू टी, टू टी क्या है ट्यूब थिकनेस, कितना जूम किया मैंने 3 mm ट्यूब का थिकनेस लिया, तो दोनों साइड 3 mm 3 mm तो हो गया 6 mm, तो डैश द टू टी, तो 125 माइनस 2 × 3, तो ये आ गया मेरे डी टू वैल्यू 119 mm, ओके. तो लेंथ ऑफ कितना होगा, लेंथ इसका देखिए डिवाइड बाई 3 होगा, क्यों डिवाइड बाई 3 होगा, क्योंकि ये एंगल में था 3 angle, ओके देखिए यहाँ पे ट्रफिंग एंगल में था, यहाँ पे ट्रफ एंगल, ओके 15 यहाँ पे 15 यहाँ पे, तो ये बीच का ही मुझे लेना है, ओके आइडलर जो ये बीच का लूंगा मैं, ओके तो एल क्या होगा बी प्लस 100 डिवाइड बाई 3, तो हो गया मेरा एल 250 mm. तो अगेन सिलेक्टिंग करूंगा मेटल फॉर एक्सेल, क्या लूंगा अगेन C45 FOS 4 सिग्मा वाई आएगा, कहाँ से लूंगा मैं PAG 1.9 से, सिग्मा मुझे मिला 90 Nm/mm². नाउ लोडिंग ऑफ एक्सेल, ये रहा मेरा L, W होगा W इक्वल टू FI यूजिंग फ्लेक्सरल M बाय I इक्वल टू सिग्मा बाय Y, अगर M इक्वल टू WL बाय 8, ये सबसे सेंटर में ऐड कर रहा करके W इंटू L डिवाइड बाई 8, तो वैल्यू आएगा मेरा यहाँ पे 27.63 × 10^3. नाउ ये वैल्यू पुट करूँगा यहाँ पे मैं, आई के वैल्यू क्या होगा
pi by 64 dA raised to 4 एक्सेल का डायमीटर डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय dA बाय 2। नाउ अब ये क्या होगा, dA बेयरिंग डायमीटर में से 5 में माइनस करूंगा, ओके कम करूंगा 2.5 ऊपर से 2.5 नीचे, तो कितना है ये 20 mm का, तो कितना है वैल्यू ऑफ सिग्मा पुट करने के बाद 35.17 जो कि लेस देन है 90 से जो मैंने अज्यूम किया यहाँ पे, सो ये सेफ है डिजाइन। नाउ अगेन इस अभी रोलर लिया तो क्या आएगा यहाँ पे बेयरिंग भी आएगा, नाउ सिलेक्टिंग द बेयरिंग ऑफ आइडलर। नाउ डेटा क्या है मेरे पास, रेडियल लोड एफ आर कितना मेरा एफ आई बाई टू, तो ये 442.18 न्यूटन, एफ ए कितना है 0, प्रोवाइडेड सर्वर 90, लाइफ रिक्वायर्ड 3000 आर, लाइफ इन मिलियंस ऑफ इयर्स कैलकुलेट करूंगा मैं, एल एच आर इंटू 60 इंटू एन डिवाइड बाई 10^6, एन क्या होगा पाए डी वन एन बाई 60, यहाँ पे डी वन क्या होगा डायमीटर ट्यूब, ये मेरा 0.125 दैट इज 125 mm, ओके तो मेरा आया एल डैश ऑफ 10 37.6 मिलियंस ऑफ रिवोल्यूशन। नाउ फिर डायनामिक कैपेसिटी रिक्वायर्ड, सी रिक्वायर्ड इक्वल टू एल डैश ऑफ 10 डिवाइड बाई एल 10 ड्रेस टू 1 बाई के इंटू पी, ओके के फॉर 3 फॉर बॉल बेरिंग के लिए, ये है एल डैश 37.6, ये 1, ये मेरा पी 663.27, तो मेरा आ गया सी रिक्वायर्ड 220 kgf। तो मैं चेक करूंगा ये डायमीटर का, इसके लिए डायमीटर कितना चाहिए मेरा, इनर डायमीटर शुड बी इक्वल टू द बेरिंग डायमीटर, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये रहा एक्सेल, ये रहा बेरिंग, इसके डायमीटर में ये इंसर्ट होगा यहाँ पे, तो डायमीटर ऑफ बेरिंग 25 दिया, तो 25 mm का ही मुझे बेरिंग लेना है यहाँ पे, क्योंकि ओके क्योंकि मैंने जो एक्सेल लिया वो कितने का है, वो जो मैंने ये लगा है यहाँ पे ट्यूब का बेरिंग वो कितना है 25 mm का, मैंने बेरिंग लेना है मुझे, तो देखिए यहाँ पे तो हैविंग डायमीटर डी इक्वल टू 25 mm, ओके। नाउ नोट डायमीटर ऑफ रिटर्न आइडलर एज द सेम एज द डाटा सेंटर आइडलर ऑफ द ओवरऑल आइडलर, बट लेंथ इज कितना होगा एल इक्वल टू बी प्लस 100 डिवाइड बाय ओके बी प्लस 100, तो कितना हो गया 750, मैंने यहाँ पे डिवाइड बाय 3 नहीं किया है, ओके जो मैं आगे आपको स्टेप करना है, मतलब स्टेप नंबर 16 जो है रोलर डिजाइन, क्या करना है आपको रोलर डिजाइन फॉर रिटर्न आइडलर, फॉर रिटर्न आइडलर, उसमें सब स्टेप सेम रहेगा, बस एल क्या हो जाएगा एल इज इक्वल टू बी प्लस 100 डिवाइड बाय 750 और बाकी सब सेम रहेगा यहाँ पे, ये आपको इतना करना है, ओके। सो ये रहा आपका ओवरऑल ऑफ द बेल्ट कन्वेयर डिजाइन, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।